जय माता दी। कल नवरात्रे हैं, चैत्र नवरात्रे हैं कल से। तो जैसा कि आप जानते हैं, तो हमें करनी होती है पूजा, और पूजा करने के लिए सभी नौ देवियों की माँ के लिए हमें चाहिए पूजा की सामग्री। तो आज हम बताएंगे कि हमने कौन कौन सी पूजा की सामग्री ली है, और आप भी इन पूजा सामग्री की सहायता से आसानी से पूजा कर सकते हैं। तो आइए जान लेते हैं। सबसे पहले तो हमें चौकी लगा लेनी है, जैसे मैंने लगाई एक चौकी। चौकी के ऊपर लाल रंग का वस्त्र हमें बिछा लेना है। आप देख सकते हैं ये लाल रंग का वस्त्र यहाँ पर बिछा हुआ है। तो हमने लाल रंग का जो वस्त्र है वो हमने बिछा लिया है। उसके बाद माँ शेरावाली की कोई फोटो अगर आपके पास है तो आप फोटो लगा सकते हैं। अगर आपके पास मूर्ति है तो आप माँ शेरावाली की मूर्ति भी लगा सकते हैं, आप देख सकते हैं। और उसके बाद हमें लेना है शुद्ध जल का हमें लोटा लेना है। तो हमने यहाँ पर शुद्ध जल का लोटा भर के रखा है, वो लेना है। और उसके बाद हमें लेनी है रोली। रोली आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये तिलक करने के लिए हमने ले ली है रोली टीका, ठीक है। उसके उपरांत हमें लेने हैं अक्षत। आप देख सकते हैं चावल जो है टूटे हुए नहीं होने चाहिए, यहाँ पर साबुत चावल होने चाहिए पूजा में, विशेषकर ध्यान रखने योग्य बात है। और उसके बाद हमें लेना है कलावा। कलावा भी यहाँ पर रखा, आप देख सकते हैं कलावा लिया हमने। उसके उपरांत हमने लेना है सुपारी। आप सुपारी देखिए, यहाँ पर सुपारी रखी, हमने सुपारी ली है। और उसके बाद हमने लिया है जनेऊ। गणेश जी को अर्पित किया जाता है जनेऊ, ये यहाँ पर जनेऊ है। और उसके उपरांत जनेऊ लिया हमने। दक्षिणा अवश्य रख लेनी है, किसी भी पूजा में हमें किसी भी दिन रख सकते हैं आप दक्षिणा। तो दक्षिणा रख ली है हमने। उसके उपरांत हमने लिया है कपूर। ये हमने कपूर लिया है। और उसके उपरांत हमने लेना है कपूर। लेने के बाद फूल वाली लौंग हमें आवश्यक से याद से हमें लौंग लेनी है, और लौंग जो है फूल वाली होनी चाहिए। इस प्रकार से आप देख सकते हैं हमने ली है फूल वाली लौंग। और उसके उपरांत हमें लेना है इत्र। इत्र भी पूजा में हमें विशेष रूप से लेना होता है, हमने लिया है यहाँ पर इत्र। और इत्र लेने के बाद हमने यहाँ पर क्या करना है, इलायची लेनी है। आप ले सकते हैं इलायची, हमें यहाँ पर लेनी है, आप इलायची लेंगे। और उसके उपरांत इलायची लेने के उपरांत हमें शुद्ध देसी घी का दिया लेना है। देखिए दिया आप पीतल या स्टील के कोई भी दिया, या फिर आप मिट्टी का कोई दिया इस प्रकार का भी ले सकते हैं, जिसमें अखंड ज्योत भी जलाई जा सकती है, वैसे भी आप जला सकते हैं। और दिया लेने के उपरांत जो है हमें अखंड ज्योत लेनी है। अखंड ज्योत आप उस दिए में भी लगा सकते हैं, मिट्टी के दिए में, और आप इसमें भी लगा सकते हैं। अखंड ज्योत के लिए हमें अखंड बातें भी चाहिए होती है, तो सवा हाथ की बातें हमारे लिए पर्याप्त होती है। उसके बाद हमें लेना है बाती का पैकेट। आप गोल या लंबी कोई भी बातें आप ले सकते हैं। तो बाती का पैकेट ले लिया हमने। उसके बाद मिट्टी का कुंडा लेना है हमें। मिट्टी का ये बर्तन होता है जिसमें हमें जवारे उगाने होते हैं, तो इस प्रकार से ये हमने लिया है मिट्टी का कुंडा। मिट्टी का कुंडा लेने के उपरांत हमने यहाँ पर साफ मिट्टी ले ली है, साफ मिट्टी भरवा लेती है वहां से। और हमने जो रख दिए हैं। उसके बाद हमने लिया है कलश। तो आप देख सकते हैं हमने लिया है कलश। और कलश के उपरांत हमने लिए आम के पत्ते। ये देखिए ये हमारे आम के पत्ते, आम के पत्ते हमने आवश्यक रूप से ले लिए हैं। और उसके बाद हमने लिया है नारियल। नारियल हमें ये वाला लेना होता है, साबुत नारियल, जटा वाला नारियल पूजा में विशेष कर लिया जाता है। एक सूखा नारियल हम वैसे भी ले लेते हैं प्रसाद आदि में बनाने के लिए, भोग आदि के लिए, हवन आदि के लिए। और उसके बाद हमने नारियल चुन्नी जो है वो भी लेनी है, हमने नारियल चुन्नी ली है। उसके बाद 16 सामग्री का जो सामान होता है वो हमें लेना है। आप कोई भी 16 सामग्री नहीं तो फिर आप कुछ भी, जितना भी आपके पास है माता के श्रृंगार की सामग्री आप रख सकते हैं। और उसके बाद हमें श्रृंगार का सामान लेके हमें धूप लेनी है। आप देख सकते हैं ये यहाँ पर हमने धूप ली है, देवदर्शन धूप, आप कोई भी धूप ले सकते हैं। और उसके उपरांत हमें लेना है, धूप ले ली है हमने। धूप लेने के उपरांत हमें लेना है पतासे या फिर मिश्री, हमने यहाँ पर बतासे ले लिए हैं।
यहाँ पर मिश्री है, या आप दोनों में से कोई भी चीज ले सकते हैं, कोई एक चीज भी ले सकते हैं। उसके बाद हमें फल लेना है, फल ऋतु फल आप कोई भी ले सकते हैं। हमने यहाँ केला लिया है, और इसके अलावा आप दो तीन फल कोई और भी रख सकते हैं। और उसके उपरांत हमें फल ले लिया है देसी घी, देसी घी बहुत ही आवश्यक होता है, शुद्ध देसी घी हमें यहाँ पर लेना है। घी ले लिया है, घी के उपरांत हमें लेना एक उपला जिसे करछी बनाई जाती है उपले से, और पूजा या हवन किया जाता है। इस प्रकार से हमने यहाँ पर एक उपला भी ले लिया है। उपले के उपरांत हमने लिया है हवन कुंड। ये देखिए हवन कुंड, अगर आपके पास दूसरा है तो वो ले सकते हैं, नहीं तो इस प्रकार का हवन कुंड भी लिया जा सकता है। इसमें अच्छे से कपूर डाल के भी हम कर सकते हैं, और करछी डाल के भी हम हवन कर सकते हैं, हवन सामग्री से हम लोग हवन कर सकते हैं। हवन कुंड ले लिया है, पान के पत्ते हमने ले लिए हैं, ये यहाँ पर पान के पत्ते आप देख सकते हैं। और उसके उपरांत हमने लिया है, पान के पत्ते ले लिए हैं, लाल रंग के फूल लिए हैं, ये देखिए लाल रंग के फूल लेने के बाद हमने लिए है यहाँ पर एक माचिस, माचिस ली है। माचिस के बाद हमने ली है हवन सामग्री। हवन सामग्री आप ले सकते हैं, या फिर आप ये लौंग से भी, लौंग इलायची डाल करके भी आप अच्छे से हवन, अगर छोटा हवन करना है तो आप उससे भी कर सकते हैं, नहीं तो ये हवन सामग्री है, इसकी मदद से आप हवन आसानी से कर सकते हैं। शुद्ध जल का लोटा भर के हमने रखा है, और उसके बाद हमें हल्दी की गांठ, सुपारी, एक सिक्का, लौंग इलायची डाल करके, ये इस तरह की सामग्री जो है हमें डाल करके क्या करना है, कलश में डाल देनी है। इस प्रकार से हमारी पूजा सामग्री है वो पूर्ण होती है। आशा करती हूँ आपको मेरी बताई हुई पूजा सामग्री पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई तो लाइक करें, कमेंट करें, और जय माता दी अवश्य लिखें। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। जय माता दी।